यूपी के कर्मचारियों पेंशनरों को योगी का दिवाली तोहफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खास खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सोमवार को योगी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ाने का ऐलान किया। हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई। पहले 34% महंगाई भत्ता दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू करने की घोषणा की गई है, यानी कि पिछले 3 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। आम तौर पर केंद्र सरकार की ओर से डीआर बढ़ाने के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए घोषणा करती है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए और डीआर में 1 जुलाई 2022 से 4% की वृद्धि का निर्णय किया गया था। उसी के तहत ही राज्य सरकार ने भी 4% बढ़ाने का फैसला किया। राज्य कर्मियों को अभी 34% की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। बढ़ोतरी के बाद ये 38% हो जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ देने पर राज्य सरकार हर महीने 296 करोड़ का भार पड़ेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के भुगतान के लिए सरकार पर 1184 करोड़ का भार आएगा। इसमें से पुरानी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों से संबंधित 387 करोड़ की धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। ऐसे में नकद का भार 797 करोड़ आएगा। वहीं बोनस की बात करें तो केंद्र सरकार के दर के अनुसार ही राज्य कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के करीब 14,82,000 बोनस की पात्रता में आते हैं। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। उच्चतम सीमा 7,000 के आधार पर बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6,908 रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। इसका 75% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जाएगा, जबकि 25% हिस्सा यानी कि 1,727 रुपए का भुगतान होगा। जो कर्मचारी जीपीएफ में नहीं आते हैं उनका नकद भुगतान होगा। इससे राज्य सरकार पर कुल 1,022 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसमें से 639 करोड़ नकद और 383 करोड़ जीपीएफ में जमा होगा। बोनस और डीए का फैसला एक साथ लेने के कारण सरकार पर 1,436 करोड़ का भार आएगा।